What's up, guys? Welcome back to another vlog. Today is day 9 for my Ladakh 2024 trip. So that's my room where I stay in Pangong. Let me give you a view for the entire cottage. This is the entire set of cottages. And that's 107 is my room. And this cottage is just next to the lake. I'll just give you the view for the lake as well. Just look at this lake. That's the bike. That's the lake. These are the bikes. All guys settling up. So we are planning to go to Hunder today, which is about 160 kilometers from here. Look, this is our Yara Yara. This is our real champion, real master. I put on my sticker also. That's the sticker. The Highwaymen Superbikers conquering the Pangong. So finally we are rolling to Hunder. Look at this famous three idiot ka seat. The last shore of Pangong. Look at this super wide road. Wow. Amazing. This is in between the hills. And look at this road, man. I am continuously cruising at the speed of 70s and 80s. Fuel up done in Tangste. Ashok River is 18 km from here. Just take a right turn towards the Ashok River. It's the Ashok River. आगे जाके इसी ने रोड खराब किया हुआ है एंड वी हैव टू राइड ओवर पेबल्स. गौरव इज स्टिल ट्राइंग टू गेट द लोकेशन बट बड़ी प्रॉब्लम है. मीनवाइल लुक एट दिस रिवर. माता ने ऊपर कहीं चढ़ा दिया है. अब समझ में नहीं आ रहा है ऊपर कहाँ जाना है. मतलब अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं. वी आर क्लाइंबिंग. पीछे से भी था बड़ा कंफ्यूजिंग है. अब ये थोड़े से पेड़ आए हैं कांटों वाले टाइप से. हमारे यहाँ किक्कर होते हैं कि हाँ ये आई डोंट नो बट इट्स लुकिंग वेरी फैंटास्टिकली वेल. बड़ा सिनेमेटिक सा व्यू है कि दोनों तरफ से पेड़ है. वी आर गोइंग स्ट्रेट. वाओ. रोड हैज बीन क्लोज फॉर दिस माउंटेन. यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है तो वी हैव टू डी रूट फ्रॉम हेयर. Then there. Gaurav first, then the BMW and the Benelli will go. I will go at the last. So that छोटी इतनी छोटी भी नहीं है. इट्स अ टफ तो है. गिर गई. बंद करो. आप बाहर निकल जाओ. छोड़ दो. हाँ कोई आप फंसे हो. निकल जाओ. कोशिश कर सकता हूँ. पहले खड़ी तो कराओ. ये रुक गया ना. मेरा मोमेंटम टूट गया. कौन मेरे कोई रास्ते से जा रहे हो. चलो मैं जा रहा हूँ. ठीक है आई कंट्रोल को. 1 2 3. साइड स्टैंड लगाओ. हटो हटो. सॉरी इसी साइड पे खींचो. डोंट गो दैट साइड. तो आप सीधा बाकी साइड चलो. हाँ
Now Gaurav is getting my bike. लद्दाख के ड्राइवर सारे हीरो हैं अपने आप में। ये लद्दाखी को चैन ही नहीं है, इस साले ब्रेक भी दबा दी नहीं, निकलने दें, कुछ करने दें, चश्मा ला के अंधों की तरह साले चले जाते। इन्हीं की वजह से दो बाइकें गिरी हैं, रुकना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। ये देखो एक के भी, ये मतलब एक ने भी जहमत नहीं उठाई कि रुक जाए, लेट दीज बाइकर्स गो, नो वन। क्या है लोग, ये देखो ये रुक गया, मतलब इज अ प्राइवेट व्हीकल ड्राइवर, ये रुक गया क्योंकि नोबडी इज रेडी टू स्टॉप। क्या यार, चलो फाइनली ऑल गेट थ्रू। अब बाइक तो चलो जीएस तो मैंने निकाल दी, अगर तो फंसी रहती हो आने की वजह से, ये व्हीकल मेड रोड बन गया है अपनी मर्जी का, इसको जैसे जाना है जाओ यहाँ से, और पूरा टूरिज्म यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। एक्चुअल रूट वहाँ पे था जो कि गेट सबमर्ज इनटू द रॉक्स, रिवर बेड पे हम लोग चल रहे हैं। आई थिंक आई कैन सी वन मोर वाटर क्रॉसिंग पेबल क्रॉसिंग। आई फॉरगॉट रोड इज टोटली शिट मैन। वी गेट द टारमैक, got it, the big off-roading patch. यहाँ तो ऐसे लग रहा है सब खत्म ही हो गया है, बाढ़ के बाद जैसे होता है ना सब वाइप आउट हो गया है, ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पर। बाढ़ आई थी सब बहा के ले गई। चढ़ गई। नीला चढ़ गई, ये क्या चीज है, कहाँ है व्यू यार, कंकड़ पत्थर के अलावा है क्या व्यू में यहाँ पे। और सर आप सही पे शोक रिवर है। हाँ शोक रिवर है, फाइनली क्रॉसिंग दी शोक रिवर, ने बहुत शोक बनाया है पीछे पूरे रास्ते में, बिकॉज ऑफ दिस बहुत रोड डैमेज है, और वो शोक रिवर के साथ से ही रास्ते बने हुए कच्चे से भी आए हैं। अभी तो 2.5 घंटा और बता रहा है पहुंचने में, लेट्स सी। एक और क्लाइंबिंग ऑफ रोडिंग, हे भगवान, ये रोड तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, बोलने भी नहीं दे रहा है, तो झटके मार रहा है। हाँ छोटा दुनिया, थोड़ा स्पीड से जाता है, पानी उछलता है तो कुछ मजा भी आता है। वन मोर हिट अप रोड, सारा रोड टूटा हुआ है, आई डोंट नो बनेगा कब, अभी क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में तो बहुत है ना, डिस्ट्रॉय इन सेकेंड्स। वी जस्ट हैड अ लंच एट दिस प्लेस, आई पुट ऑन माय स्टिकर एज वेल, सो व्हाट द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट, स्टैंड्स इन फूड कोर्ट, it's just before the river bridge,
There we have to take a right turn to go to Hundar. So we have to take a right turn from here. From here it will take 1.5 hours. It's 18 kilometers from right from here. So far so good. Time ho gaya hai 3:06. तो यानी 4:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे. टेम्परेचर का देखो चेंज, ड्रास्टिक चेंज है. इट्स 30 degrees नाउ एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम पेंगोंग. इट्स 7 degrees एंड वेर इन हानले इज इन द नाइट इट इज माइनस, डे इट इज 7-8. वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है मेन रोड पे. तो अगेन वी आर गेटिंग इनटू द रिवर साइड. Yeah, then we have to go. Now, seriously, this road is full kachra. First time I'm looking at these trees. So landscape pura change ho jayega once you get into the Hundar and all. So let's see how it gets changed. Road to construction ho rahi hai. Next year to sab takatak ho jayega. रोड बंद था तो यहाँ से हमने यू टर्न लिया है. और जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग थे उन्होंने बोला कि वो जो ब्रिज है सामने, उस ब्रिज के ऊपर से उस साइड जाके देन वी हैव टू गो टू दैट वे. आई डोंट नो इतने डाइवर्जन हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ ये. कभी हम शुग रिवर के इधर, कभी शुग रिवर के उधर, ऐसे चले जा रहा है. ऑफ रोडिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ. दिस इज द शोक रिवर. लुक एट द रिवर मैन, व्हाट अ व्यू. बट थोड़ी सी ग्रीनरी दिखने लग गई है. आई थिंक वी नीड टू टेक अ लेफ्ट ओनली बिकॉज वी हैव टू गो टू द डायरेक्शन. अब रोड की वैल्यू नहीं है, अब डायरेक्शन की वैल्यू है. सो दैट्स द वे. अब मेरे ख्याल से हमें दोबारा से लेफ्ट साइड आना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हमारा होटल वगैरह वो लेफ्ट साइड में ही है, शुक्रिया के उस तरफ. तो हमें आगे फिर दोबारा वो ब्रिज लेके उस तरफ जाना पड़ेगा. रेगिस्तान आ गया है और हल्के हल्के ट्रीज भी आ गए, जिसका मतलब हिंडर आस पास ही है. Hundar is क्या बोलोगे, कूल डेजर्ट. Look at these dunes, literally sand dunes. Then we have some greenery also on that side. Beautiful, so beautiful. We are riding in between the trees. Wow. पहली बार लद्दाख में पेड़ों के बीच में बाइक चल रही है. मुझे तो धूल मिट्टी के पहाड़ों के अलावा कुछ मुझे दिखाई नहीं रहा. टेम्परेचर भी हो गया है 29-30 degrees. तो गर्मी भी पूरी है. इधर थर्मल वगैरह पहने हुए हैं, पसीने निकल रहे हैं मुझे तौर पर. मेरे को नहीं लगता कि रोड हमें साफ मिला. हमें सिर्फ पैंगोंग से पेट्रोल जो था वो 30 है तो ठीक नाम है. एक फर्जी वाटर क्रॉसिंग और एडेड टू दी बकेट. बहुत सारे लोग बड़े बड़े घर हैं तो देखो, लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो रिच लोग हैं. लग रहा था किसी गांव में से निकल रहे हैं. कितने बड़े बड़े घर है, नल भी है यहाँ पे. नो स्मोकिंग जोन. सही घर बने हैं. वाह, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के किसी फार्म हाउस वाले एरिया में आ गए हैं. तो व्यू छोकरी बात. आगे कॉफी शॉप रिवर, वहाँ पे हम जाएंगे.
टारमैक वाला रोड मिल गया, टारमैक 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 भगानो 70s, ये बड़ा रोड देखो, दोबारा हम वहाँ से क्रॉस करेंगे ब्रिज, फिर अगेन वी गो टू दैट साइड। और पीछे वाला वो एरिया बड़ा अच्छा है, पहले बड़ा कोई पॉश एरिया लद्दाख का, बड़े बड़े घर थे, है ना, गुड हाउसेस। अगेन वी एंटर्ड इनटू सम ग्रीन एरिया, वाह, जैसे जहाँ देखने को नहीं मिलती ना, और वो दिखती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो पूरा ट्रैक है ना, रोड इज डेफिनेटली फैंटास्टिक, बट जो लेफ्ट राइट पेड़ दिख रहे हैं, ये मतलब मज़ा आ रहा है यार चलाने में, जैसे रोड बहुत ख़राब है, मतलब मुश्किल से 120 किलोमीटर में 10 किलोमीटर का अगम वाला रोड ठीक मिला, अदरवाइज ऑल गॉन। ये धक्कड़ धक्कड़ रोड खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ हुंडर, दिस इज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ हुंडर, सी दिस इज द कोल्ड डेजर्ट, नो वन कैन बिलीव देर वर ड्यून्स इन ले, बट यस वी हैव ड्यून्स इन ले। And look at these dunes, man, amazing. And they are very high, high dunes. I think we are left with 3-4 kilometers only for our hotel. Our hotel is in Hundar only. Hundar is 6 kilometers ahead of Dixit. And finally, we are going to enter in Hundar. Today is by kilometer is the shortest ride, but I talk about total hours we have taken, it is the longest drive, right, and the most stressful ride, because out of 167 kilometers ride, we caught a tarmac of 25 kilometers only. From that we don't find any road for that मैटर, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए टूटा हुआ रोड भी नहीं मिला, वी हैव टू राइड मतलब लेफ्ट राइट सेंटर पगडंडी, देन वी आर इन बिटवीन द रिवर, रिवर पेबल्स, तो इट्स सच अ स्ट्रगलिंग डे फॉर टुडे। तो यहाँ पे ATVs भी चलती हैं, वो देखो ATVs चल रही हैं, यहाँ पे ATVs का भी बड़ा सही फन है, और यहाँ पे कैमल राइड भी होती है, यहाँ का एक स्पेशल कैमल है, इसके दो हुड होते हैं, नॉर्मल कैमल के जो हमारे राजस्थान में होते हैं, सो एक सिंगल हम्प होता है ऐसे, यहाँ पे जो है कैमल के दो हम्प हैं, और उसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी छोटी होती है, तो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल है, बिकॉज नॉर्मली कैमल क्या होता है कि वो मतलब गर्म से गर्म जगह में रह सकता है, यहाँ का जो कैमल है इट कैन स्टे इन द कोल्डेस्ट टू कोल्डेस्ट प्लेस, तो बिल्कुल वाइस वर्सा है कि यहाँ का ठंड में रहता है, वहाँ का गर्मी में रहता है। एंड आई विल सी यू टुमारो टू द टाइम, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज एवरी सिंगल लाइक एंड सब्सक्राइब कीप मी मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एडिट, और इसको फिर मैं और एडिट करके और अच्छी वीडियो बना के डालता हूँ, एंड आई कीप ऑन ट्रैवलिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर टू बी विद मी फॉर दिस जर्नी, it's a 15 days journey in Ladakh, so do watch other videos as well, till then bye bye, I think we have reached the hotel because the guys are standing out here, so take care. Oh my god, look at this list of hotels and guest house, oh my god, even I am not able to count them ki wo ye hain kitne, aur itne sare hain, ये मैंने नहीं सोचा था। माय गॉड सीरियसली, तो हियर इज अवर मंत्रा कैंप, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस।